स्टूडेंट्स, दिस इज जितिन मिश्रा. टुडे आई विल एक्सप्लेन क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 द प्रोनाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दैट कैन बी रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. दे प्ले अ रोल सिमिलर टू नाउन्स इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर, सेंटेंस में नाउन की जगह पर यूज होते हैं. दे प्ले अ रोल, ये ऐसा रोल प्ले करते हैं सिमिलर टू नाउन, जो नाउन से सिमिलर मिलता जुलता हो सेंटेंस में. सो नोटिस द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैसेज. राहुल इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. ही इज गुड एज स्टडीज एज वेल एज इन स्पोर्ट्स. राहुल एक बहुत ही कठिन परिश्रमी बच्चा है. वो बहुत ही पढ़ाई में अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है. हिज ब्रदर एडमायर हिम. उसके भाई जो है उसकी प्रशंसा करते हैं. बोथ ऑफ देम वुड लाइक टू फॉलो द हिज फुटस्टेप. दोनों अपने एक दूसरे की फुटस्टेप को फॉलो करते हैं. हियर द वर्ड्स ही एंड हिम टेक द प्लेस ऑफ राहुल व्हाइल देम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज ब्रदर. यहाँ पर वर्ड ही इज किया गया है वो राहुल की जगह पर राहुल के लिए यूज किया गया है. वही जबकि them is used और them का यूज किया गया है instead of his brother, उसके ब्रदर की जगह पर हमने यहाँ पर them का यूज किया है. Remember that the noun that is replaced by a pronoun is called a antecedent. हमेशा याद रखिए कि जो noun होती है, जो replace होती है pronoun की जगह पर is called, उसको इसका क्या बोलते हैं, antecedent बोलते हैं. In the above passage, इस book के passage में he replaces the noun. कि उसने noun को replace किया है राहुल ने. Therefore, Rahul is the antecedent of he. यहाँ पर राहुल जो है वो he का antecedent है. तो pronouns agree with their antecedents in number, gender and person. Pronoun agree करता है, सहमत होता है अपने antecedents से जो number और gender और person के through यहाँ पर use होते हैं. So students, pronouns, antecedents, agreement, just as the subject verb agreement is an important rule of English language. Just as जैसे कि subject होता है verb antecedent, verb agreement is an important role. बहुत ही अच्छा उसका role, important role होता है English language में. Pronoun antecedents agreement भी is essential, बहुत जरूरी होता है. It is also necessary in the sentence. इसका भी बहुत ही जरूरी होता है sentence में. That the pronouns agree with their respective antecedents. That जो pronouns होता है agree होता है, सहमत होता है अपने antecedents, जो भी उसके साथ लगा हुआ है antecedents है उससे वो agree रहता है. The following rules deserve special attention. यहाँ पर कुछ rules दिए गए हैं जो special attention deserve करते हैं. Like example, number one में दिया गया noun referring to both the sexes. Noun जो refer करता है both sexes में, दोनों genders में, are normally followed by masculine pronoun. वो normally masculine noun को follow करता है. Example number one, every staff member was asked to check his timetable. Every staff of member, हर पूरा staff जो है member का asked to पूछता है to check his timetable. अपने timetable को check करने के लिए पूछता है. Number second, every student must submit his assignment by July 8. प्रत्येक बच्चा अपना assignment July 8 जुलाई को उसको submit करना चाहिए. Number third, a person who wants to improve his spoken English should be a language laboratory course in spoken English. A person, एक व्यक्ति who wants, जो चाहता है to improve, अपना improve करना चाहता है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, शुड बी अ लैंग्वेज, उसको क्या करना चाहिए, शुड बी अ लैंग्वेज लैबोरेटरी कोर्स पढ़ना चाहिए स्पोकन इंग्लिश में. अब नंबर टू दिया गया है वर्ड्स लाइक एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीवन एंड नो वन आर नॉर्मली फॉलोड बाय सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन. जो वर्ड्स दिए गए हैं एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, ये नॉर्मली जो है सिंगुलर प्रोनाउन को फॉलो करते हैं. लाइक एग्जांपल इसमें दिया गया है नंबर वन, एवरीबॉडी इज डूइंग हिज बेस्ट, सभी प्रत्येक अपने अपना अच्छा काम करते हैं.
but second, anybody in the department can check his records anytime he wants. Anybody means कोई भी department से कोई भी अपना record जो है वो time to time check कर सकता है. Number third, when one antecedent is masculine and other is feminine, the use of his is permissible. When जब एक antecedent होता है is masculine होता है means पुरुष जाति को show करता है and other is feminine और दूसरा जो होता है वो स्त्री जाति को शो करता है, the use of his is permissible. तो वहां पर हम use of his का use करते हैं. Example जैसे दिया गया है, number one, every man and woman in the refugee camp had collected his ration by 5 o'clock. प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक आदमी और औरत इन रिफ्यूजी कैंप, जो रिफ्यूजी कैंप होता है शरणार्थी जो एक समूह होता है, had collected अपना इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा हिज राशन, अपना राशन को कलेक्ट करेगा बाय 5 o'clock, 5 बजे कलेक्ट करेगा. नंबर सेकेंड, एवरी मैन एंड वुमैन इज सपोज टू वोट अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट. प्रत्येक व्यक्ति मतलब आदमी औरत इज सपोज टू वोट, उसको वोट देने का अधिकार है अकॉर्डिंग टू हिज ओन जजमेंट, अपना प्रत्येक अपना खुद का जजमेंट देने का अधिकार है. नंबर फोर, इन ब्रिटिश इंग्लिश द चेंज ऑफ द indefinite pronoun one to he is considered incorrect. In British English में the change of the indefinite pronoun one, जो change होता है indefinite pronoun one का to he से, is considered incorrect. वो उसको incorrect समझते हैं, consider करते हैं. Example, when one starts research, he should be prepared for a life of hard work. This sentence is incorrect. The correct sentence is, when one starts research, one should be prepared for a life of hard work. यहाँ पर one के साथ में one का ही use करेंगे, ना कि one के साथ हम he का use करेंगे. However, in formal American English, such a change from one to he is permissible. जबकि कुछ formal American English में यहाँ पर one का he के साथ में permissible यूज करना परमिसिबल है. एंड नंबर फाइव, प्रोनाउंस एग्री विद द नेचर ऑफ टू एंटीसिडेंट. प्रोनाउंस एग्री करता है टू नेचर ऑफ टू एंटीसिडेंट को भी एग्री करता है. लाइक एग्जांपल नंबर वन, शी लाइक्स एवरीबॉडी मींस नॉन लिविंग एंड एवरीबॉडी लिविंग. हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर ब्रिलियंट अचीवमेंट्स इन द पास्ट. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, she likes anybody means living and anything non living which reminds her of her brilliant achievements in the past. In second sentence, either the doctor or the nurse responsible for the death will lose her job. प्रत्येक nurse or doctor responsible है, जिम्मेदार है for the death, उस death के लिए will lose his job. और उससे उसकी जॉब छूट जाएगी. नंबर सिक्स, द फॉलोइंग रूल्स ऑफ प्रोनाउन एंटीसिडेंट एग्रीमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जो रूल्स दिए गए हैं प्रोनाउन्स के एंटीसिडेंट एग्रीमेंट के आर क्लोजली रिलेटेड, वो बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ में. इसमें नंबर वन पॉइंट दिया गया है, टू और मोर सिंगुलर एंटीसिडेंट्स connected by either or neither nor take a singular pronoun. यहाँ पर दो और antecedent दिए गए connect होते हैं एक दूसरे से by either or से और neither nor से in singular pronoun. Example number one, neither John nor Jim has collected his bonus yet. ना ही John और ना ही Jim ने अपना bonus अभी तक collect नहीं किया है. Number second, either he or she बस लॉस्ट हर बुक. ना ही उसने और मतलब यहाँ पर एक लड़के के लिए बात कर रहे हैं और एक लड़की के लिए बात कर रहे हैं. लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी बुक को खो दिया है. इफ द एंटीसिडेंट डिफर्स इन नंबर, अगर एंटीसिडेंट नंबर से डिफर है, अलग है, द चॉइस ऑफ द प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन द लॉजिक ऑफ द आइडिया.
यहाँ पर जो प्रोनाउन जो है वो डिपेंड होता है, आश्रित होता है ऑन द लॉजिक ऑफ द आइडिया, उसके आइडिया के लॉजिक पर डिपेंड होता है। इसमें एग्जांपल नंबर 1 दिया गया है, नाइदर द मिनिस्टर नॉर द सेक्रेटरीज नो व्हाट दे शुड डू टू ट्रेस द मिसिंग फाइल। ना ही मिनिस्टर और ना ही इसके सेक्रेटरी नो जानते हैं व्हाट दे शुड डू कि वो क्या उनको करना चाहिए टू ट्रेस द मिसिंग फाइल, मिसिंग फाइल को ट्रेस करने के लिए उनको क्या करना चाहिए। नंबर सेकंड, नाइदर द सेक्रेटरीज नॉर द मिनिस्टर्स नोज व्हाट ही कुड डू और डू टू कंट्रोल द सिचुएशन। ना ही सेक्रेटरी और ना ही मिनिस्टर जानते हैं कि व्हाट ही कुड डू, कि उनको इस सिचुएशन पे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। If the antecedent begins with each of, either of, or neither of, the pronoun is singular. अगर जो antecedent start होता है each of से, either of से, या neither nor से, तो pronoun हमेशा कैसा होता है? Singular रहता है। Example, each of them has done his best. Number second, neither of these students has finished writing his thesis. Neither उनमें से कोई भी स्टूडेंट ने अपना जो अपने थीसिस का वर्क करना भी खत्म नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है। नंबर नेक्स्ट है, इफ द एंटीसिडेंट बिगिंस विद नन ऑफ द प्रोनाउन विल यूजली बी प्लूरल दो अ सिंगुलर प्रोनाउन इज आल्सो परमिसिबल। इन द एंटीसिडेंट बिगिन, जब अगर एंटीसिडेंट जब स्टार्ट होता है विद नन ऑफ से और प्रोनाउन विल यूजली, यहाँ पर प्रोनाउन का यूजली भी प्लूरल रहेगा, दो अ सिंगुलर pronoun is also permissible, जबकि जो singular pronoun जो है is also उसको permission रहेगी। Example, none of these students have completed their assignment. उन students में से किसी ने भी अपना assignment अभी complete नहीं किया है। Plural pronoun has been used. यहाँ पर plural pronoun का use किया गया है। Next example है इसमें, none of these students has completed their assignment. मतलब उन स्टूडेंट्स में से किसी ने भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। सिंगुलर प्रोनाउन हैज बीन यूज्ड, यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है इसमें, इफ द एंटीसिडेंट इज अ कलेक्टिव नाउन, अगर एंटीसिडेंट कोई भी कलेक्टिव नाउन है, द चॉइस ऑफ द प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन वेदर ही वांट्स टू रिफर टू द इंडिविजुअल मेंबर और ईच मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। अगर जो प्रोनाउन की चॉइस डिपेंड करती है वेदर ही वांट्स, जब वो चाहता है तो रिफर करना इंडिविजुअल मेंबर्स को, ईच मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, उस ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को। इफ द होल ग्रुप इज ट्रीटेड एज वन, अगर पूरा ग्रुप जो है इसको एक के लिए एक से हम ट्रीट करते हैं, व्हेन वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन, तब हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं एंड सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं। बट लेकिन इफ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज रिफर्ड इंडिविजुअली, अगर ग्रुप का प्रत्येक मेंबर इंडिविजुअली रिफर होता है, देन प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल वर्ब कैन बी यूज्ड। तो हम यहां पर प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल इसमें दिया गया है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैज नाउ डिसाइडेड टू पब्लिश इट्स फाइंडिंग। जो गवर्नर्स का बोर्ड है, जो समूह है, कलेक्शन ऑफ गवर्नर्स है, हैज नाउ डिसाइडेड, अब उसने डिसाइड किया है टू पब्लिश इट्स फाइंडिंग, उसकी फाइंडिंग उसको खोजने के लिए पब्लिश किया है। नंबर सेकंड, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वांट ऑल फैसिलिटीज फॉर देमसेल्फ, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो वांट चाहते हैं ऑल फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज चाहते हैं फॉर देमसेल्फ, उनके लिए। दे प्लूरल प्रोनाउन आर नॉट बदर्ड अबाउट द स्टाफ, यहां पर दे जो है आर नॉट बदर्ड अबाउट द स्टाफ के लिए यहाँ पर यूज किया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस दिए गए हैं। पर प्रोनाउंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स दिए गए हैं, हम देखते हैं कि आपने इसमें क्या आपने सीखा। इसमें नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हम बात करते हैं नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट
or the object in a sentence. Personal pronouns वो words होते हैं जो replace किए जाते हैं, noun को replace करते हैं, that act as a subject, जो as a subject work करता है, not on object या object work करता है in a sentence, sentence में. तो personal pronouns are of two types. यहाँ पर personal pronouns को भी दो भागों में divide किया गया है. Number one, subjective personal pronoun are words, ऐसे words होते हैं that refer, जो refer करते हैं to subject को in a sentence. किस sentence subject को refer करते हैं? Such as जैसे कि I है, we है, you, he, she, they and so on. और बहुत सारे इसके example देते हैं. Number second, objective personal pronoun are words. Objective personal pronoun वो words होते हैं that refer, जो refer करते हैं to object in a sentence. इस subject में object को refer करते हैं, such as me, us, you, him, her, them and so on. Now examples इसके हैं. Number one, Rahul is an engineer. He works for Hindustan Petroleum. Second, Rita is Rahul's wife. She also works in the same company. Number third, he met her when they were in college. अब नंबर सेकेंड हम बात करते हैं प्रोनाउन की, पॉजिटिव प्रोनाउन. तो पॉजिटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स. पॉजिटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं दैट रिफर, जो रिफर करते हैं टू पोजीशन को, पोजीशन को रिफर करते हैं. प्रोनाउंस जैसे सच एज माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स आर पॉजिटिव प्रोनाउन. ये पॉजिटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, My, your, our, his, her and yours show possession by modifying a noun. जो noun को modify करके show करते हैं possession को, they are called possessive adjective. इसको हम possessive adjective बोलते हैं. They are called so, ये इसलिए इनको ऐसे बुलाया था, पुकारा था, because क्योंकि they describe a noun, क्योंकि ये noun describe करते हैं like an adjective, एक adjective की तरह. Such words cannot be used in a place of noun. ऐसे words cannot be used, हम इसको use नहीं कर सकते हैं in place of a noun, noun की जगह पर इसको use नहीं कर सकते हैं. Next topic is point है, a possessive pronoun on the other hand replace a noun. एक possessive pronoun दूसरे तौर पे हम इसको noun को भी replace कर सकता है. Look at these examples to understand the differences. Example number one, Shivani took Priya's luggage but she forgot hers. Number B, Shivani took Priya's luggage though she forgot to take her own luggage. Both the sentences show possession by using the words hers sentence A and her in sentence B. Next point है, hers sentence A replaces the noun luggage altogether while the word her sentence B describes the noun to show possession. Point number second, therefore hers is a pronoun whereas her is a possessive adjective. So given below is a table, यहाँ पर एक ऐसी table दी गई है that shows को दिखाती है, form को दिखाती है of possessive adjective and possessive pronouns का with singular similar meaning, जिसकी एक जैसी meaning होती है. तो यहाँ पर persons दिए गए हैं, possessive adjective दिया गया है and possessive pronoun दिया गया है. First person singular है इसमें my और इसका possessive है mine. Second person plural possessive adjective है यहाँ पर our और possessive pronoun है ours. Second person singular और plural yours, yours. Third person singular male his, his. Third person singular female her, hers. Third person singular female, female her, hers. Third person singular neuter its, its. Third person plural their, theirs. Number third, demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are words that identify nouns in a sentence. For example, this, that, these, those are demonstrative pronoun. Example number one, I cannot talk fast and this is my problem. This is a great news. That was a wonderful experience. These are my books. Remember it, हमेशा याद रखिए. The same set of words can also be used in demonstrative adjectives in sentence with the describe noun. Demonstrative adjectives point out the person or things that is being talked about.
Look at the following sentences. Sentence number one: These trees are planted by my mother. Here, these describes the noun as is. Therefore, demonstrative adjectives in a sentence. The second: These are the trees that are planted by my mother. Here, these is used in place of the noun trees and is. Therefore, a demonstrative pronoun. अब बात करते हैं नंबर फोर इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स सच एज जैसे कि हु, whom, whose, which एंड व्हाट आर वर्ड्स दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. इसका यूज होता है क्वेश्चन को पूछने के लिए. फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, whom did you call up, which of these boxes is yours. व्हेन फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस हु और whom is used for a person or a group of people. What is used only for things and which is used for a person or an object. Number 5. Reflexive or emphatic pronouns. Words such as myself, ourself, yourself, himself and themselves are called reflexive pronouns. Inko reflexive pronouns bolte hain. They are used to refer back to subject of the sentence. इसका यूज हम सेंटेंस के बैक में सब्जेक्ट के सेंटेंस के बैक में यूज करते हैं. एग्जांपल आई ट्रीटेड माइसेल्फ टू अ गुड मील. राजू हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल कमिंग डाउन द स्टेयर्स. व्हेन द वर्ड्स माइसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ एंड हरसेल्फ आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ इंफेसिस एंड नॉट मेयरली टू रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, दे आर नोन एज इंफेटिव प्रोनाउंस. एग्जांपल An emphatic pronoun is placed immediately after the antecedent when what is that is the pronoun or noun that is laid emphatic upon. Example, you yourself told me not to include you for the picnic. तो इसमें you personal pronoun है और yourself यहाँ पे emphatic pronoun है. ऐसे और example है my. I myself checked that the door was locked. The house itself collapsed on half a sudden. Ab number 7 distributive pronoun. Distributive pronouns such as each, either, neither and so on are used to refer. Iska hum use karte hain to refer the persons, objects one at a time. Ek samay mein iska use kar sakte hain. Example, each student must wear proper uniform to school. Neither of you can come with me, neither of the boys came to the class. Distributive pronouns are always followed by the verbs in the singular. Ab next hai yahan par 8 number reciprocal pronoun. Each, other and one another are reciprocal pronouns that are used to refer to two or more people who can carry out an action simultaneously and are affected by the consequence at the same time. Example, इसमें number one है, Ramesh and Rachel help each other while doing group work. Please help one another. Notice that यहाँ पे notice करने वाली बात है sentence one में both Ramesh and Rachel carry out the action of helping and the others simultaneously are both affected by the action. On other and one another is used when more than two people are involved in an action, such as in sentence 2. Ab number 9, indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to persons, things in general rather than to anything specific. Examples are number 1, everybody knew about the holiday except me. Number 2, I don't know anybody in my neighborhood. In the above sentences, the pronouns everybody and anybody do not refer to any particular person. They are used to make general statements without specifying a particular noun. They can also play the role of the subject as in sentence 1 and the subject and object sentence 2. Next, following is a list of indefinite pronouns. All, any other, anybody, anything, anyone, each, either, everybody, everyone, everything, few, little, many, more, much, neither, nobody, none, no one, nothing, one, another, other, several, some, somebody, someone, something. Example is
little is known about him. One can do it anybody. Anyway, few could get above 60% marks. अब नंबर 10 है इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस. लास्ट है इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड. रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज होता है टू ऐड इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए अबाउट अ नाउन, जो नाउन के बारे में ऑलरेडी मेंशन, जो नाउन के बारे में पहले से ही मेंशन हो. दे आल्सो हैव टू जॉइन, ये इसकी भी मदद करते हैं टू जॉइन टू सेंटेंस. टू स्टेटमेंट्स को जॉइन करने में भी इसका यूज होता है टुगेदर एक साथ. व्हिच दैट हू होम हूज and so on are relative pronouns. Example, the man who came home yesterday is my friend. वो व्यक्ति जो मेरे घर कल आया था is my friend, मेरा दोस्त है. In the other sentences, who gives us more information about the noun man, it also joined two statements together to form a complex sentence. The compound words whether with it ever and also used to related pronouns. Example number one, give me whatever you have at home to eat. Among all the children, whoever come first will get the trophy. Rules of agreement. Number one, a related pronoun should agree with the noun that acts as its antecedent. Example number one, my relative. Relatives who live in the USA are shifting to Europe this month. Example number two, one of my pet dogs that has teeny black spots all over is my favorite. In the above examples, nouns or noun phrases such as my relatives or one of my pet dogs act as the antecedents of relative nouns who and that. Number B, in order to agree with their antecedents, the relative pronouns who is used with human subjects and that is used with non-human subjects. Number second, the verb in the independent clause should agree with the subject or the main clause, the main clause. Example number one, Rajesh, who is one of my friends. Rajesh, jo ki mere friend mein se ek hai, is coming home today. Aaj aa raha hai. Rajesh is the subject is singular and therefore the verb is of the independent class is also singular. Number two, my relative who live in the USA, मेरे रिश्तेदार जो USA में रहते हैं, are shifting to Europe. वो Europe this month Europe को shift कर रहे हैं. The subject my relative is in plural, hence the verb are is also plural. Placement of relative clauses. The relative clause should be placed close to its antecedent. Example, Rajesh Milkhani, who is my boss, is coming home for dinner today. Note, Rajesh Milkhani is coming home today, who is my boss. Ab isme diya gaya hai problematic pronouns. Some pronoun uses have to be handled carefully. Generally, when there is noun and pronoun in the subject of the sentence, we use I, you, he, she and so on. For example, Mary and I went to the market or he and you can came to the party. However, when you have the word between in the subject of the sentence, then you have to use me, you, him, her and so on. For example, between you and me, we will decide the rules for the game. Or between him and her, she is the more sensible one. Generally, we use the words me, my, you, him, her, and so on. The predicate of the sentence. However, when there is a compulsion of between the two persons, when we use words I, you. For example, Hari is taller than I. You sing much better than she. When we use the pronoun for emphasis after it is or it was, we generally use the form of I, he, she and so on. For example, it was I who informed the police about the robber, or it is she who first said that you are a liar. The usage of who and whom in the sentence is quite confusing. However, this can be easily solved if you use a
simple trick, break the sentence given to you in two parts. For example, this is a boy I was talking about. In the sentence, when you do not know which word to use, break the sentence, this is a boy I was talking about him. Now, if you get the word me, him, her, us, them, when you break up the sentence, when you use the word whom, next, let us look at another sentence. Do you know who broke the vase? Break it up like this. Do you know she broke the vase? Now, if you get the word I, he, she, we, they, when you break up the sentence, when you use the word whom. So, student, this is the full explanation of the chapter 3 pronoun, and there are some exercises you do yourself in your homework copy. Take the correct answers, and the second exercise, underline the pronoun and mention the kind of each underlined pronoun, and third exercise, underline the pronouns and identify their antecedents in the following sentence. Exercise number 4, circle the pronouns that show possession and say whether it is possessive adjective or a possessive pronoun. Exercise number 5, fill the blank in the syllable, personal or possessive pronouns. Exercise number 6, take the correct word for all of the examples. And 7, the use of correct interrogative pronouns or adjective in these sentences. Exercise number 8, in each sentences, state whether the pronoun ending self is reflexive or emphatic, is in nature, identify the antecedent in each case. 9 exercise, in the blank the emphatic and reflexive pronoun. 10 exercise, correct the errors in the use of pronoun in the in these sentences, identify whether the pronouns that you have replaced or reflexive, emphatic, distributive, reciprocal or indefinite. Exercise number 11, fill the blanks with suitable relative pronouns. And last, exercise 12, join together each of the following pairs of sentences by using a relative pronoun. So students, you will do the exercise in your homework book, and if you have any doubt, then ask me in my WhatsApp group. Thank you.